फायर एमसी इंडिया की सबसे डेडलीस्ट लाइफस्टाइल एसएमपी, जिसमें खेलते दुनिया भर के बालक्स। उनके पास रहते रेट के आर्मर, टूल्स, पोशंस, और वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और मेरे पास क्या है, एक घटिया आयरन का आर्मर और आयरन के टूल्स। और अगर मैं इनसे उनके पास लड़ने गया ना, वो लिटरली मेरे को दो हिट में मार देंगे। सो इसीलिए आज मैं अपने लिए बनाने वाला हूँ एक नेदरराइट का मैक्स एनचेंटेड आर्मर और टूल्स, ताकि अगर मेरे साथ कभी फाइट होती है तो मैं आराम से उनको मार सकूं। साथ ही में इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ अपनी फायर एमसी में टीम, और अगर आपको उसको ज्वाइन करना है सो आप वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको बता दूंगा आप कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो लाइफस्टाइल एसएमपी में मैक्स आर्मर बनाना इतना आसान तो होता नहीं है, इसलिए मैं आर्मर को परचेज करने वाला हूँ ऑक्शन से। सो परचेज करने के लिए हमको चाहिए पैसे, और पैसे कमाने के लिए मैं यहाँ पे डायमंड माइनिंग पे जाऊंगा, उन डायमंड को सेल करूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ डायमंड तो पहले से पड़े हैं, मैं काम करता हूँ उनको भी सेल करता हूँ और आगे चलता हूँ और माइनिंग पे, और पैसे कमा के जल्द से आर्मर परचेज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा मैंने पिछली फायर एमसी की वीडियो में एक बेस बनाया था और वो बेस अब रेड हो चुका है। जी हाँ, मेरे को वहाँ पे मतलब किसी दूसरे बंदे का भी बेस मिला था, आई थिंक वो उसने रेड करा है, और ये मेरी गलती थी कि मैंने उस बंदे के बेस के पास अपना बेस बनाया। पर अच्छी बात यह है कि मैं बस उस वीडियो में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस एक आयरन का आर्मर था और कुछ सामान मैंने अपने अंडर चेस्ट में रखा हुआ था। वहाँ पे सिर्फ चेस्ट में ब्लॉक्स रखे हुए थे और मैंने शुगरकेन का फार्म बनाया था, वो था, और वो उस बंदे ने तबाह कर दिया। सो अब हमको नया बेस भी बनाना पड़ेगा। मैं वो देखता हूँ कि कौन सी वीडियो में बनाने वाला हूँ, इस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में। सो अब बात कर लेते हैं मेरे प्लान ऑफ एक्शन की। सो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक फॉर्चून 3 पीएक्स, या उसको मैं ऑप्शन से परचेज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जो अपने सिंपल डायमंड की पीएक्स है उसे थोड़ी बहुत माइनिंग पे जाऊंगा, थोड़ी बहुत पैसे कमाऊंगा, उसके बाद मैं फॉर्चून 3 की पीएक्स खरीदूंगा, और फिर हम अच्छी खासी माइनिंग करके पैसे कमा के आर्मर खरीदेंगे। सो अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बकवास हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे मुझे फॉर्चून 3 और एफिशिएंसी 5 के पिक्स मिल चुके हैं। इस पर अनब्रेकिंग और माइनिंग तो नहीं है, पर वो मैं खुद लगा लूंगा। सो अभी हम चलते हैं अच्छी खासी माइनिंग पे, ताकि हम और पैसे कमा के आर्मर खरीद सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे माइनिंग से कुछ डायमंड मिल चुके थे, अब मैं उनको सेल करने वाला हूँ और अपने पिक्स पे ब्रेकिंग और मेंडिंग लगाने वाला हूँ, क्योंकि उसके बिना मेरी पिक्स बहुत ही जल्दी टूट जाएगी और फिर फॉर्चून 3 दोबारा चली गई, सो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। सो अभी मैं ऑक्शन से परचेज करता हूँ एक ब्रेकिंग और मेंडिंग की पिक्स, और एनविल से उनको कंबाइन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मेरी पिक्स पे ब्रेकिंग 3 लग चुकी है, और जब कोई बंदा माइनिंग सेल करेगा मैं वो भी लगा लूंगा। सो अब हम चलते हैं फिर से माइनिंग पे। One eternity later. सो अब यहाँ पे मेरा मनी देख सकते हैं 156K, और अभी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा डायमंड और है जिनको सेल करके मुझे और पैसे मिल जाएंगे। सो अब मैं यहाँ पर परचेज करने वाला हूँ अपने कुछ आर्मर के पीसेस ऑक्शन से, देखते हैं क्या क्या हमको मिल सकता है। आई एम रियली शोर्ड कि बंदे 1,00,000 मतलब 100K में मैक्स नेदरराइट के जूते और हेलमेट कैसे बेच रहे हैं, और मैंने देखा कि वहाँ पे चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स भी हैं। सो अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वो भी खरीद सकूँ, तो इसका मतलब जी हाँ मेरे को फिर से माइनिंग पे जाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, हमारे पास जो ये हेलमेट और जूते हैं ये तो आ चुके हैं, अब बस चेस्ट प्लेट रहती है, लेगिंग्स रहती है, आर्मर कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ टूल्स। 3 days later. फाइनली घंटों की माइनिंग के बाद यहाँ पर मेरा मैक्स नेदरराइट का आर्मर आ चुका है, और यहाँ पर उसको मैं पहन भी लेता हूँ। अब
मेरा मैक्स आर्मर तो हो चुका है, पर अभी भी टूल्स रहते हैं। सो अभी मेरे पास घटिया आयरन से टूल्स हैं, पर मैं डायमंड है मेरे पास, मैं खुद भी बना सकता हूँ। पर ज़्यादा अच्छा यही होगा कि मैं उसको भी ऑक्शन से खरीद लूँ। सो अभी जी हाँ, फिर से माइनिंग पे जाना पड़ेगा मेरे को, पर कोई बात नहीं, जल्दी से चलते हैं और फिर से पैसे कलेक्ट करके लेके आता हूँ मैं। दी नेक्स्ट डे फाइनली यहाँ पर 5 घंटे की माइनिंग के बाद मेरे पास मैक्स टूल्स और मैक्स हार्मर आ चुका है। अब सच बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है कि लास्ट में मेरे पास एक मैक्स हार्मर और मैक्स टूल्स हैं, वो भी खुद की ग्राइंडिंग से। सो अब ये तो हो गया, अब मैंने कहा था कि मैं टीम बनाने वाला हूँ। सो जल्दी से अपनी खुद की टीम बनाता हूँ, उसका नाम वगैरह सोचता हूँ। मैंने नाम सोचा हुआ है ब्लेज फ्यूरी, सो चेक करते कि वो आ सकते कि नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी टीम भी बन चुकी है और जो मेरे टास्क थे वो भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। सो, अगर आपको मेरी टीम ज्वाइन करनी है, सिंपली आपको मेरे को डिस्कॉर्ड पे आके मैसेज करना है। पर उससे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूँ कि आपको थोड़ा बहुत पीवीपी तो आनी चाहिए, भाई सिंपल सी बात है। और टीम में कुछ अलग अलग रोल्स होंगे, जैसे कि कुछ बंदे पीवीपी करेंगे और कुछ बंदे ग्राइंडिंग करेंगे। सो आप मेरे को डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर देना, आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, और फिर मैं आपसे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लूँगा, आपकी फुलफिल होंगी तो आप टीम में आ सकते हैं, नहीं तो फिर आई एम सॉरी आप टीम में नहीं आ सकते। सो अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।